सो बस यही थी सिचुएशन हमारे लास्ट 21 डेज की, 14 डेज ये थी, 8-10 दिन मैं बीमार था, तो 22 डेज के आसपास हुआ था। वी आर सीन ऐसा हो रहा है डेली चार लोग आते हैं इसे फॉलो करते हैं, ये चार लोगों को फॉलो करते हैं, फिर वो चार लोग इसे अनफॉलो करते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ उन चार लोगों को जो मुझे अनफॉलो करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आई नो 3 हफ्ते के बाद ये मैं फर्स्ट व्लॉग शूट कर रहा हूँ, और काफी दिनों के बाद हम लोग घर से व्लॉग शूट करें, क्योंकि आपको कंडीशन बाहर की तो पता ही है। तो प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, और जरूर नहीं है तो प्लीज बाहर मत जाइए। हम भी ट्रैवल ब्लॉगर है, फिर भी घर पे बैठे घर से ब्लॉग बना रहे हैं, और 3 हफ्ते के बाद इसीलिए ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि ये 3 हफ्ते है जो पूरे कंट्री में जो सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन हमारे घर पे थी। मेरी और अंजलि दोनों की तबीयत खराब थी, मैं आपको बताऊंगा ब्लॉग में आगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, हमारे चैनल ने 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं, सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और व्यूज तो आपको पता ही है, हमारे 200 से भी कम आ रहे हैं, सो थैंक यू फॉर दैट। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया देन प्लीज वॉच द वीडियोज। हमने काफ़ी अच्छे अच्छे जो टूर है हमारी, जैसे कि राजस्थान में हमने 2 ट्रिप की थी, उदयपुर और माउंट आबू की, वो सभी ट्रिप्स लाइव है। यहाँ पे भी रिजॉर्ट हमने विजिट किए थे, वो भी लाइव है। सो प्लीज़ गो एंड ऑल दोज वीडियोज, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, जो करना है आप करो। हमारा काम है वीडियोज बनाना, हम बना रहे हैं, तो आपका काम है देखना है, तो देन गो एंड वॉच ऑल द वीडियोज। हम देखते हैं अंजलि का क्या रिएक्शन है, क्या बोलना चाहती है हमारे 2000 सब्सक्राइबर पे। और अंजलि यहाँ पे नाश्ता बनाते हुए सुबह का, अंजलि क्या कहना है आपके 2000 सब्सक्राइबर पे? जब हमने स्टार्ट किया था ना, मुझे लगा था हमारे 2 सब्सक्राइबर भी नहीं होंगे। 2 तो हो जाते हैं ना, हम दोनों एक ही तो भाई, 2 ही होंगे ना, हमारे जैसे ही होंगे दोनों। फिर उसके बाद मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। हार्दिक प्रसन्नता, इसी खुशी में मैं भाकरी बना रही हूँ आज नाश्ते में। सो गाइस अभी अंजलि बना रही है भाकरी, तो हम लोग थोड़ा सा नाश्ता करते हैं क्योंकि चाय बनाने की बारी मेरी ऑलवेज होती है। तो नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं, नहा धो के अच्छे से फ्रेश होके मिलते हैं आपको। वो तूने बताना भूल गया चाय बनाने की बारी, जो सब मैं बनाती हूँ वो कभी नहीं बताता। नहीं, चाय मैं बनाता हूँ, बाकी सब अंजलि बनाती है। और तारीफ करो, तारीफ, अल्लाह का शुक्र है कि सब अच्छी चीजें बनाती है अंजलि। करण क्या कर रहा है? जैसे मैंने बताया था चाय बना रहा हूँ, और क्या करूँगा। वैसे बाय द वे चाय करण अच्छी बनाता है। चाय टाइम आ जाओ। और हाउसकीपर जाइए थोड़ा सा काम आ जाओ बाहर, चाय बांट के आओ सबको, और पैसे भी लेके आओ। 20-25 रुपए लेके कप। शक्ल देखिए तूने, 20-20 रुपए तो जो कौन देगा मुझे, 20 रुपए दे देंगे लोग। तू नीचे बैठ के मैं अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के वैसे दे देंगे। सब्सक्राइब करके किसी ने वीडियोस तो देखने नहीं है, वैसे ही पैसे कमाएंगे। तो रोना है थोड़ा सा, रोना वहाँ, रोना एकदम फूट फूट के रो नीचे, फिर हम वो थंबनेल रख देंगे, ठीक है? सो अभी बज रहा है 12:05। अंजलि मुझे 11 बजे सा बोल के गई थी कि वो नहाने जा रही है अंदर, और 12:05 मतलब 1 घंटे से ऊपर हो गया है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अंदर वो कमरे में, अभी भी बाहर नहीं आई है, अंदर कमरे में वो एसी ऑन करके बैठी होगी। देखना है आपको, दिखाता हूँ। देखो, एज आई टोल्ड यू गाइस, लेटी है यहाँ पे, एसी ऑन है, और 1 घंटे से यहीं पे बैठी है। तो 11 बजे गई थी ना नहाने, क्या हुआ था? मैं 1 घंटे से ना आ रही थी। 1 घंटे से ना आ रही थी, मैंने बोला था कि एसी में बैठी होगी। देखो चल आ जा, 12 बजे। मैं नहीं आ रही। ये क्या है, यो क्या है? मैं नहीं आ रही। क्या हो गया? बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है। ट्राई किया था बाहर, वहां तक आई, फिर मैं बाहर के अंदर आ गई। तो अभी बज रहे हैं 12, कुछ प्लान नहीं है क्योंकि सुबह इतना हैवी ब्रेकफास्ट किया था, तो अभी खाने का देखते हैं क्या करेंगे सीन। पर मैं जो आपको बता रहा था कि 15 दिन या 21 दिन से व्लॉग्स नहीं आ रहे, ऑलमोस्ट मोर देन 3 वीक्स हमने कोई वीडियो नहीं डाला, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि पहले अंजलि बीमार हो गई थी जब हम अमरेली से आए थे होली के बाद, और उसे हो गया था कोरोना, तो 14 डेज के लिए वो क्वारंटीन थी। और जब 8-10 दिन जैसे हो गए थे, तो उसके बाद मुझे थोड़े सिम्टम्स स्टार्ट हो गए, फीवर, कफिंग एंड एवरीथिंग, बट लास्ट में तुझे वायरल निकला। हाँ, और मैंने 3 बार चेक करवाया आरटीपीसीआर टेस्ट, पहले अंजलि से पहले भी मैं करवा के गया था, फिर अंजलि का जब हम करवाने गए तब मैंने और अंजलि दोनों ने करवाया, अगेन मेरा नेगेटिव आया, फिर मैंने 3rd टाइम करवाया 8 डेज के बाद जब मुझे फीवर कम नहीं हो रहा था, एंड देन अगेन 3rd टाइम आरटीपीसीआर नेगेटिव आया। और फिर तो कंसेशन भी दे रहे थे ना वो, इतनी बार तो मैंने उसे पूछा बंदे को जो आरटीपीसीआर टेस्ट करता है, मैंने बोला भाई कोई पास निकाल सकते हैं अरब ध्याने के लिए, क्योंकि मैंने 3 हफ्ते में 3 बार आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था, 3 बार नेगेटिव आया था,
सो उस टाइम मेरी हालत ये थी कि एक नया वेरिएंट चल रहा था यूके वाला, बोल रहे थे कि आरटीपीसीआर टेस्ट में वो नहीं पकड़ा जा रहा है, एंड आई वॉज हेल्थ स्कैड, आई वॉज रियली स्कैड. जितनी भी जगह मैं आरटीपीसीआर करवाने गया था, सब जगह बोलते थे कि भाई बेड्स अवेलेबल नहीं है. आरटीपीसीआर की कितनी बड़ी लाइन थी, आई वाज लाइक इन अ टोटल फीवर, मैं पूरा एकदम मतलब फीवर में बैठी हूँ और कुछ मिल नहीं रहा. आरटीपीसीआर इतना लेट हुआ, इतनी मैं नंबर आ रहा है, दो तीन चक्कर मार के भी हर जगह सेम सिचुएशन. लैबोरेटरी सुबह 10 बजे खुलती है पर 8:30-8 बजे से लाइन है, वहाँ पे जाके नंबर लिखाओ फिर वापस आओ. कोई होम सैंपल लेने के लिए होम सैंपल लेने नहीं आ रहा. सिचुएशन इज पहले भी वर्स्ट थी और अभी भी वर्स्ट है, बट तो थर्ड टाइम मेरा नेगेटिव है. फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर ने बोला कि 5 दिन की दवाई ले लो, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ, देन और 5 दिन की दवाई दी, डॉक्टर चेंज किया और फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया. आई एम नाउ फीलिंग मच बेटर. आज इसीलिए व्लॉग कर रहा है क्योंकि अच्छा फील कर रहा है, क्योंकि 2000 सब्सक्राइबर हमारे एक वीक से पहले हो गए थे, हम तब भी प्लान कर रहे थे, बट एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि मेरा मन ही नहीं कर रहा उठने का, ऑफिस का काम था. फिर अंजलि जब कोविड पॉजिटिव हो गई थी तब ऑफिस का, घर का काम, झाड़ू पोछा, झाड़ू पोछा मारा है मैंने, स्किप कर करके जो मैंने घर पे मास्क कर, मतलब मैं लड़का हूँ, मतलब डेली तो झाड़ू पोछा नहीं करूंगा, ऑब्वियसली बात है. ये कौन सा, ये तो मेरा पटराकी वाली बात. हाँ तो उसमें क्या है, लड़के डेली थोड़ी झाड़ू पोछा करते हैं, मैं अल्टरनेट डेज पे किया है वो भी बहुत बड़ी बात है. डेली झाड़ू पोछा करती हूँ, तुझे तो वो है ना ओसीडी घर साफ करने का. सीरियसली सबको पता है तुझे ओसीडी है घर साफ करने का. पीछे बताऊंगी तुझे. अगर ये व्लॉग नहीं आया तो प्लीज आप मेरे घर पे बता दीजिए कि करण के साथ कुछ बुरा हुआ. हम ट्राई कर रहे हैं कि चैलेंज वीडियोस करें, तो आपके हमारे पास 2-3 आइडियाज है चैलेंज वीडियोस के लिए. अगर आपके पास कोई अलग आइडियाज है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, हम विल ट्राई टू मेक दिस चैलेंज वीडियोस. खाने के चैलेंज, खाने के मत देना क्योंकि बाहर से हम लोग कुछ मंगवा नहीं पा रहे हैं इसलिए, और घर पे हम कुछ बना नहीं पा रहे इसलिए. कुछ ही बोलना है मतलब, कुछ ही बोलना है, अंड शंड बोलना है मतलब. बस हम कैसे भी करके जिंदा है. बना नहीं पा रहे, इतना अच्छा खा, मशरूम खिलाया जा मैंने तुझे कल, मशरूम खिलाया जा मशरूम. ठीक है, और कोई तारीफ करनी है तेरी? करेला भी अच्छा बनाया था मैंने. इसका व्लॉग का टाइटल रख दूं क्या, अंजलि की तारीफ? ऐसा नहीं, अंजलि खाना अच्छा बनाती है, अंजलि खाना अच्छा बनाती है, हालांकि उसको बनाने का मन नहीं करता बट वो खाना अच्छा बनाती है. A few moments later. So finally हमने डिसाइड कर लिया कि हम दोपहर में क्या खा रहे हैं. और करण क्या तू दिखाना चाहेगा, तूने क्या बनाया आज? सबसे फेवरेट जो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक, आप जो बोलना चाहो, मैगी, वो एक ही चीज़ है जो मुझे अच्छे से बनानी आती है, अंजलि से भी बेहतर. सो मैगी खा रहे हैं क्योंकि पेट अभी भी भरा हुआ है, बट कुछ तो खाना पड़ेगा. पेट अभी भी भरा हुआ, लिटरली झूठ बोलना बंद करेगा, अभी कुछ भरा नहीं हुआ तेरा पेट करण. तो फाइनली अभी बज रहे 6:15, हम लोग टेरेस पे आए वॉक करने के लिए. मास्क पहना हुआ है क्योंकि बाहर है, मे बी टेरेस पे कोई बंदा हो सकता है, क्या दो लोग वॉक करने के लिए, सो बेटर कि मास्क पहने. अभी कोई है नहीं तो थोड़ा सा मास्क निकाल देता हूँ. और वेदर इतना ब्यूटीफुल है, किसी भी एंगल से लग नहीं रहा कि अभी समर चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश होगी. और आई थिंक लास्ट 4-5 दिन से ऐसा ही वेदर चल रहा है. और यहाँ पे शायद ऐसा बोल भी रहे कि 24 to 48 hours में शायद बारिश हो भी सकती है. हम लोग केक भी लेके आ गए, सो फाइनली हमें केक मिल गया एक जगह से खुली थी. तो अभी वॉक करेंगे और थोड़ी देर बाद जब नीचे जाएंगे तब करते हैं केक कटिंग फाइनली 2000 सब्सक्राइबर का. अभी मैं और अंजलि डिस्कस कर रहे थे कि हमारे चैनल पे इतने व्यूज़ तो नहीं आ रहे, तो हम लोग कुछ गेमिंग गेमिंग चलाते हैं जिसमें हम दोनों गेम स्ट्रीम करेंगे. कैंडी क्रश स्ट्रीम करेंगे. कैंडी मेरा वो डांस फेमस हो गया था थोड़ा सा, बाजरे दा सिट्टा. हाँ, बाजरे दा सिट्टा. अगर आप लोगों ने अंजलि का बाजरे दा सिट्टा और डांस नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे इसे जाके देखो. रील्स पे मेरी कोई भी वीडियोस नहीं देखी, प्लीज रील्स देखिए मेरी, बहुत अच्छी रील्स बनाती हूँ मैं, कति टाइम पास रील्स बनाती हूँ. शी इज ट्राइंग टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम और डेली उसमें सीन ऐसा हो रहा है, डेली 4 लोग आते हैं इसे फॉलो करते हैं, ये 4 लोगों को फॉलो करते हैं, फिर वो 4 लोग इसे अनफॉलो करते हैं. मैं बोलना चाहती हूँ उन 4 लोग को जो मुझे अनफॉलो करते हैं, प्लीज अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो अनफॉलो मत. पहले खुश होकर कितने तेरे 240-250 कितने थे? पहले मेरे 240 थे, फिर वो 230 हो गए. हाँ 240 थे, फिर उसमें कुछ 244 हो गए, खुश हो गए एकदम, बोल रही इन्फ्लुएंसर बन गई, मुझे गालियाँ दे रहे, कुछ भी बोले जा रहे. दूसरे दिन देखा 240 हो गए, फिर तीसरे दिन देखा 238 हो गए. कर्मा. मैं बोलना चाहती हूँ जिनको मुझे अनफॉलो करना है, प्लीज मुझे फॉलो ना करें, ठीक है? प्लीज, हर्ट होता है दिल में, यार दिल में हर्ट होता है, एक फॉलोअर दिन खत्म होता है. फॉलो करके आप इसकी उम्मीदें मत बढ़ाइए प्लीज. एक साथ सब अनफॉलो कर दो, एक काम करो सब अनफॉलो.
नहीं। सो फाइनली हमारी केक आ गई है, इट्स टाइम टू कट द केक। अंजलि जी बैठ गई यहाँ पे नीचे और केक आपको देखना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2K और 2 कैंडल लगाई है क्योंकि हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं कंप्लीट, तो 2 कैंडल है। कैंडल जलानी नहीं है, 2 सेकंड जला रही हूँ। जला रही हाँ हाँ, मुझे पता था वो खाना है। हाँ जल्दी कर थोड़ा। हैप्पी 2 के बर्थडे नहीं है, एक ही सिखाया बचपन से बर्थडे का। हैप्पी 2K टू अस, हैप्पी 2K टू अस एंड हैप्पी 2000 टू ऑल ऑफ यू टू। आपकी वजह से हम यहाँ पे पहुंचे। लेट्स होप कि जल्दी से जल्दी 5000 हो जाए। अब नेक्स्ट सेलिब्रेशन हम 5000 पे करेंगे और होप कि कोरोना चला जाए तो कि हम बाहर जाके अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए। नेक्स्ट पार्टी 5000 पे, 5000 पे कुछ बड़ा करेंगे 5000 पे। अभी तो केक ही कर नहीं, पाए क्योंकि अभी केक भी करते हैं और अपना सिग्नेचर स्टेप भी देंगे। सिग्नेचर स्टेप मुझे नहीं, नहीं देगा तू, देगा कर तूने प्रॉमिस किया था। हां नहीं मिलेगा तेरे को, नहीं सिग्नेचर स्टेप देगा वो, देगा। ठीक है देखते हैं, अगर दे पाए तो देंगे। सो नाउ इट्स टाइम टू ईट द केक। बाय द वे ये कौन सी केक है? बटर स्कॉच है। बटर स्कॉच केक है। भाई ना फील लाइक कि तूने मुझे छोटा सा खिलाया। यम। तो हम अभी एक सिग्नेचर स्टेप करने वाले हैं सिर्फ आप लोग के लिए, जो करण बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा है करने में, बट मैं करवा के छोड़ूंगी इसको आज। ऐसा कुछ खास नहीं है, म्यूजिक आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं जो भी दिमाग में है, क्योंकि हम कुछ अंटशंट ही कर रहे हैं। लेट्स हियर इट। रेडी 3 2 1 स्टार्ट। तूने एक साथ मतलब प्लीज आप सब्सक्राइब मत कर। और कैमरामैन अंजलि के साथ रिपोर्टिंग स्टार्ट। सो गाइस अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया देन डू हिट द लाइक बटन। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव हो उसके सबसे पहले आपको अपडेट मिले। और एक और बात, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, कहीं पे डोनेट कर सकते हैं, जो चैरिटीज आपको पता है, आप आसपास के आपके जो लोग हैं इनको आप डोनेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, प्लीज हेल्प देम डोनेट। अगर आप किसी भी कहीं से भी किसी भी तरह की हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि व्हीकल देना या फिर ऑक्सीजन देना, प्लाज्मा देना, कुछ भी, प्लीज हेल्प ईच एंड एवरी वन। अभी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सो वही मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप जो जितनी बने सब लोगों की हेल्प कीजिए एंड वी विल मेक श्योर कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट हमारे चैनल पर मिलेंगे। एंड सी यू गाइस इवन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।